केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चलेगी, उनसे वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और इसके बाद 2029 में फिर NDA की सरकार बनेगी। अमित शाह ने अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक शामिल हैं। शाह ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात भी की और कहा कि ये सभी कार्य PM मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुए। उनका कहना था कि देश की जनता ने मोदी जी के काम का भरोसा किया और आगे भी लोग उनके काम पर विश्वास बनाए रखेंगे। इस बयान के साथ ही उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए मोदी सरकार की स्थिरता और सफलता पर जोर दिया।